फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन जिनको आप बेहद प्यार करते हो, जिनके साथ आपने कई सपने बुन रखे हैं। कुछ लोगों की खटास चल रही होगी, कुछ में रिश्तों में टेंशन होगी और कुछ में बहुत सारा प्यार चल रहा होगा, किसी के साथ न्यू प्यार चल रहा होगा। तो इसलिए आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है, यानी कि रिश्ते का भविष्य क्या है, आज की रीडिंग में ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और कोई रीडिंग देख सकते हो, पर कोई ना कोई क्लैरिटी और प्यारी सी एडवाइस आपको ज़रूर मिलेगी। तो गाइज, आज देखेंगे कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, जिस रिश्ते के लिए आपने दुनिया भर के एफर्ट लगाते हो, अपने पार्टनर के लिए हर दम अवेलेबल रहते हो, टाइम देते हो उनको, उनकी यस में यस बोलते हो, तो क्या वो भी इतने सीरियस है? चलिए, जय माता दी जरूर लिखना। पहला कार्ड बहुत प्यारा आया गाइस, टू ऑफ कप्स। गाइस, आज की जो रीडिंग डालनी है पूरी तरह, क्योंकि ये फ्यूचर की है, पूरी तरह सीरियस होकर मैं डाल रही हूँ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बल्ले हो बल्ले, मौज लग गई, फोर ऑफ वंड्स। ये हो सकता है गाइज, आप लोगों में से कुछ लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि पहला कार्ड टू ऑफ कप्स और वो आया फोर ऑफ वंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन भी आ गया, टावर, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, पोपटलाल जी आ गए सबसे लास्ट में आए हैं, फोर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो गाइस मैं बता दूं, यहाँ पे सभी साइन आए हैं, एयर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन, और सबसे कम जो आया है वो आया है एयर साइन और फायर साइन। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। हो सकता है आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, और कुछ नंबर मैं पहले बोलने जा रही हूँ, गौर फरमाइए। नंबर टू इम्पोर्टेंट है, नंबर फोर इम्पोर्टेंट है, नंबर नाइन इम्पोर्टेंट है, नंबर सेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर सिक्स इम्पोर्टेंट है, सिक्सटीन इम्पोर्टेंट है, थ्री इम्पोर्टेंट है और थर्टीन और फोर्टीन दोनों इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये नंबर आपके और आपके पर्सन के कुछ रोमांटिक यादों के नंबर हो, और नाइन जो है, नाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि नहीं सॉरी फोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि फोर दो बार आया हुआ है, हो सकता है, देख लीजिएगा आप। तो चलिए देखते हैं आपके रिश्ते, आप और आपके पर्सन, सॉरी
आपके आप और आपके पर्सन के रिश्ते का क्या फ्यूचर है। गाइस यहाँ जो कार्ड आया है इसमें कुछ लोगों के पर्सन जो है एज में छोटे दिखाई दे रहे हैं और कुछ के ऐसे हैं जो बहुत समझदार और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और कुछ के ऐसे हैं जो थोड़े से पैसे के फाइनेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। रहा रिश्ते का फ्यूचर, यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते का अगर मैं फ्यूचर देखूं, कुछ लोगों का रिश्ता जो है मैरिज तक जाता हुआ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों के पर्सन जो है उनको अपना मतलब विश समझते हैं, वो आपके पर्सन और आपका रिश्ता जो है दिल से जुड़ा हुआ अटैच रिश्ता है और आपके पर्सन भी उतने सीरियस है जितने आप हो। तो इसलिए ये जो आप लोगों का रिश्ता है इसमें मेहनत पूरी करने पड़ेगी लेकिन मैरिज तक ये रिश्ता पहुँचेगा। और कुछ लोगों का जो सेपरेशन फेस चल रहे हैं उनमें दोबारा से रिश्ता शुरुआत होने की संभावना है और कुछ लोगों का आने वाले टाइम पे रिश्ते में ये टावर का कार्ड और ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि रिश्तों में जिनके अनबन हो रही है वो सावधान हो जाएं क्योंकि हो सकता है कि रिश्ते में ज़्यादा खटास आ जाए और उसके जो रीज़न होगा वो होगा फैमिली। जो आपके रिश्ते में पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपको अंदाज़ा होगा कि आप लोगों को कि आपके रिश्ते में कौन पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो आने वाले टाइम पे, मेरे कहने का मतलब सतर्क हो जाइए, वो आने वाले टाइम पे अपना जाल फेंकने वाले हैं। लेकिन आपके पर्सन जो है, आप लोगों के पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा नहीं आया कि जो ये कहा जाए कि आप लोगों को प्यार नहीं करता। गाइज यहाँ हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो है फाइनेंस को वो देते हों प्रायोरिटी, लेकिन ये है कि प्यार वो भी करते हैं। आप इसमें कुछ लोग मैरिड भी मुझे लग रहे हैं तो आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी और अपने आपके दोनों के रिश्ते की ग्रोथ चाहते हैं, आगे चीज़ें मैरिज तक ले जाना चाहते हैं, फैमिली तक बनाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग सेपरेट फेज में जिनके पॉलिटिक्स चल रही है उनमें सेपरेशन फेस आने का डर है, इसलिए फैमिली उसका रीजन होगी, जब फाइनेंस होगी जब फैमिली, कोई तीसरा क्रश कम नज़र आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, सेपरेशन फेस आने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, मैनिफेस्ट करिए। अगर मैं कहूँ मेरी मानो तो थोड़ा सा रुक जाए, स्पेस दे दे रिश्ते को, जब ज़्यादा लोचे पड़ने लगे तो स्पेस दे दो कि सामने वाले सब बैठ जाए, नहीं तो वो अपनी खुराफत करनी नहीं छोड़ते। तो कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि आप दोनों की विश है एक दूसरे के साथ पूरी होगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको, अगर चीज़ ख़त्म भी होती होगी तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे, चीज़ें मैरिज तक आप लोगों की पहुंचेगी। लेकिन कुछ लोगों का जिनके रिश्ते में तनाव है टेंशन है उनका सेपरेशन फेस लोगों की राजनीति से हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन जो है उन लोगों के कंट्रोल में है और पर्सन को वो जो थर्ड फैमिली है वो आपके रिश्ते के बीच में दबाव बनी हुई है, चाहे वो फैमिली हो चाहे फाइनेंस हो चाहे कोई ऐसी लेडीज हो जिसका वो उनका क्रश हो, शादीशुदा भी हो सकते हैं जब वो जा आपके पर्सन या आप में से कोई तो। लेकिन ये देखिए ये एनर्जी ऐसी बता रही है कि आप लोगों में से कुछ लोग सेपरेशन फेस चल रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उन लोगों के रिश्ते का फ्यूचर यही है कि उनको एक बार ज़रूर मौका मिलेगा, एक बार ज़रूर मौका मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड ये बताते हैं कि आप लोगों के रिश्ते का भले ही दुनिया ने मिलकर तबाही मचाई है, आपको बेइज्जती भी सहनी पड़ी है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होगा रिश्ते का, ट्रांसफॉर्मेशन होगा और न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि ये आपके पर्सन कम पसंद तो चाहते ही चाहते हैं लेकिन ईश्वर भी चाहता है कि आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे, एफर्ट। जब तक एफर्ट ना लगाओ तो बहुत कम ऐसे रिश्तों में बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, रिलेशनशिप लिविंग चाहे मैरिज भी हो लगाने पड़ते हैं एफर्ट। तो गाइज
जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं उनकी चीज़ें मैरिज तक पहुंचती हुई मुझे नज़र आ रही है। एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एफर्ट के बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन चीज़ें आगे जाएगी। कुछ लोगों का सेपरेशन फेस जाता हुआ, रिश्तों में तनाव है, टेंशन है, आता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको मैं यही कहूँगी कि आप सतर्क रहे। अगर ज़्यादा शोर शराबा है, रिश्तों में ज़्यादा रोड प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी की फैमिली बीच में इंटरफेयर कर रही है, तो थोड़े दिन अपने दिल पे कंट्रोल रखें और चीज़ों को स्टॉप कर दें, रुक जाएं, क्योंकि सामने वाला परेशान ही इसलिए करता है कि आप किसी तरह से बिल से बाहर निकले और कब वो दावा बोले। फैमिली में ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि आप वहाँ पे बिल्कुल बिना आपके साथ बात करें। तो गाइस, ये जो रीडिंग है ये 2-3 बंदों की आई है, जिसमें ट्विन फ्लेम फ्यूचर बहुत अच्छा है आप लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का लग रहा है मुझे कि सेपरेशन फेस मैरिज वाले भी बीच में हो सकते हैं कि आ सकता है, टेंशन जिनके रिश्तों में चल रही है। और कुछ का ऐसा है कि जो सेपरेशन फेस में है उनको एक बार गॉड चांस जरूर देगा, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आपको एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। लेकिन जो सेपरेट जिनके तनाव चल रहा है उनका थर्ड पार्टी बीच में रीज़न है, फैमिली फाइनेंस क्रश, आप इस एनर्जी में हो, तो ये रिश्ते का आपका फ्यूचर है। आपकी चीज़ें जो हैं प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एंगेजमेंट हो सकती है और नेक्स्ट ईयर शादी भी हो सकती है। मतलब आप लोगों का प्लान पक्का ही है, बेबी भी हो सकते हैं उससे नेक्स्ट ईयर, तो इसलिए आप लोगों की शादी पक्की है। आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर जो है बेटर 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 है। आपको एफर्ट तब भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में भी कई परेशानियां, कई प्रॉब्लम्स आएंगी, आसानी से कुछ नहीं मिलता, आपको एफर्ट लगाना पड़ेंगे। और हो सकता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना फैमिली हो, ना कोई क्रश, फाइनेंस ही हो। अगर आपके पर्सन थोड़े लालची किस्म के हो तो सोचें कि और सेटल हो जाऊं, इस वजह से आपकी चीज़ें डीले हो सकती है, इसलिए एफर्ट आपको लगाने होंगे, चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सही होंगी। चलिए देखते हैं, गाइज मैं 3 कार्ड निकालूंगी यहाँ पे, एक ट्विन फ्लेम वालों के लिए, एक जिनका सेपरेशन चल रहा है, और एक जिनके रिश्ते में खटास है। देखते हैं क्या एडवाइस है। ट्विन फ्लेम जिनका सेपरेशन है और जिनके रिश्तों में तनाव चल रहा है, आप लोगों के लिए ये मैंने एडवाइस कार्ड निकाले हैं, गौर फरमाइएगा इन पे। गाइस ये ट्विन फ्लेम वालों के लिए कार्ड है, इसमें डिवाइन कह रहे हैं आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप अपने पर्सन को सपोर्ट भी बहुत करते हो, लेकिन जहाँ आपकी बात रुक सकती है, जहाँ मैंने कहा कि फाइनेंस की वजह से लेट हो सकती है, फाइनेंस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको निराश नहीं होना, आपको पॉजिटिव रहना है और अपने रिश्ते में एफर्ट लगाने हैं, यानी कि एकदम हाथ पैर खड़े नहीं करने, आपको आपका प्यार तभी मिलेगा। थोड़ा सा अपने आप को अच्छी एनर्जी में लाइए और सपोर्ट आप अपने पर्सन को पूरी तरह करते थे, अब भी करते हो, लेकिन हो सकता है कि अपने रिश्ते को अगर आपने दोबारा से पाना है या आपका रिश्ते में ट्विन फ्लेम में, तो आपके दिल के अच्छे हो, सपोर्टिव इंसान हो, तो आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, हर चीज़ को पॉजिटिव लेना होगा, छोटी छोटी बातों से उनके साथ घिच नहीं करनी होगी, और जैसा भी वक्त आए उसमें एफर्ट लगा के साथ में खड़े होना होगा। सेपरेशन वालों के लिए
गाइस जो सेपरेशन फेस में हैं उनका एडवाइस कार्ड आया है कि अभी भी आप इंतज़ार कर सकते हो, आप प्लीज़ अभी एफर्ट भी मत लगाना क्योंकि एफर्ट भी जो है ना आपके फेवर में नहीं है। कहा गया है जिस गली में हमें लड़ाई भी होती है तो इंसान कहता है दूसरी गली से निकल कहीं खुद को चोट ना लग जाए, तो यहाँ ये वाली हकीकत है कि अभी भी दिल और दिमाग में आपके पर्सन के उलझने चल रही हैं, टेंशन है और जिन उनकी फैमिली में या थर्ड पार्टी ने दमान मचा रखा है, अभी आपको रुकना होगा। एक समय पर आके बिगनिंग होगी लेकिन अभी आपको रुकना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। और जिन रिश्तों में तनाव और टेंशन चल रही है, आप बहुत उदास हो, बहुत दुखी हो अपने पर्सन के लिए, आप उनको ऑन स्टॉक करते हो, उनको तस्वीरें देख देख के आप अपना दिल खुश कर लेते हो, दूर हो तब भी नहीं जा सकते, तो ये जो एनर्जी है आपकी, आपको भी पॉजिटिव बनना है। और जहाँ मैंने आपको कहा कि आपके रिश्ते में आने वाले टाइम पे कभी प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती है, टेंशन और ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है, खुदा ना करे सेपरेशन फेज तक बात आ जाए, तो इसलिए इतना उदास मत हो, ये पॉजिटिव बनिए और थोड़े दिनों के लिए अपने पर्सन के साथ जिन चीज़ों की वजह से रिश्ता ख़राब होता है उस पर कंट्रोल रखिए और उन चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि जब दो इंसान रिश्ता जोड़ते हैं इंसान कम रिश्ते की ज़्यादा वैल्यू होती है, रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये थी आज की रीडिंग, आपके रिश्ते का फ्यूचर मैंने तीनों के निकाल दिए कि कोई ये ना कहे कि मैडम हमारा तो निकला ही नहीं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जो बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन दूंगी आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।